अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुक्सित अजीज़ एंड आई वेलकम यू टू गौहर पब्लिशर्स। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू गौहर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 4, चैप्टर नंबर 4, डेसिमल्स, एंड द टॉपिक वुड बी कन्वर्जन बिटवीन डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। जी, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स। जैसे आपको पहले भी बताया कि हम फ्रैक्शन से डेसिमल या डेसिमल से फ्रैक्शन में आने के लिए इजी है कि हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल के बाद 10th प्लेस आती है, फिर उसके बाद 100th प्लेस आती है, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं अगर हमारे पास डिनोमिनेटर नीचे 100 हो या 10 हो या 1000 हो, यानी 1/10 हो, 1/100 हो या 1/1000 हो, तो हम सिंपली इसको 0.01 ये 100th प्लेस पे और 0.001 लिख सकते हैं। ये है जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स 10, 100 और 1000 हो, तो 1/10 ये 1/100 और 1/1000 इस तरह आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 ना हो, तो फिर हम किस तरह उसको सॉल्व करेंगे? कोई भी फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 4/25 की, इसको डेसिमल में हम किस तरह लिखेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो उसका डिनोमिनेटर है उसको कन्वर्ट कर दें 100 में या 1000 में या 10 में, जो ये पहले इजीली कन्वर्ट हो सकता हो। क्योंकि 25 10 में तो पीछे कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसको 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश हम करेंगे। 4/25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर 100 आता है। तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 100 और 4 × 4 इज 16। तो अगर 4/25 हमारे पास हो तो इसकी डेसिमल में हम इसको 0.1 जो है वो 10th की प्लेस पे है और 6 जो है वो 100th की प्लेस पे है, यानी 16/100 आ गया। तो आप इसको डेसिमल में इस तरह शो कर सकते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर 4 एग्जांपल्स दी गई हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो इन सब डिनोमिनेटर्स को हमने सबसे पहले 100 में कन्वर्ट किया है और फिर उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो हमने लिख ली हैं। अगर कोई ऐसी हमारे पास वैल्यू आ जाए जिसमें होल नंबर कोई और हो, 0 ना हो, तो हम यहाँ पर वो होल नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल में दिया गया है, और हम इसको फिर फर्दर एक्सरसाइज में भी कवर कर लेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू डेसिमल, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स, ये फ्रैक्शंस को हमने डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, जिनकी तो डिनोमिनेटर ये जैसे 10 है तो वो तो हमारे लिए इजी है, लेकिन जिनके डिनोमिनेटर्स हमारे पास डिफरेंट हैं उनको हम कन्वर्ट किस तरह करेंगे? तो 1/4 को हम 4 को सबसे पहले 10 बना सकते हैं, क्योंकि 10 ये बन नहीं सकता। 4 × 8 होता है, 3 × 15 12 होता है, तो इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 25/100। तो 25 को 100 जो है वो हम लिख सकते हैं कि 2 10th प्लेस पे, 500th प्लेस पे, और ये आपके पास डेसिमल में आंसर आ गया। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, 1/5 को, 1/2 को, 7/50 को, इन तमाम के डिनोमिनेटर्स को आपने 100 में कन्वर्ट करना है और फिर आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। ये आपके पास डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, इनको आप फ्रैक्शंस में किस तरह शो कर सकते हैं? जैसे पार्ट ए लेते हैं, 0.7। अब 7 लिखा कहाँ हुआ है? 10th प्लेस पे लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम डेसिमल को ख़त्म कर देंगे, 0.7 का 7 आ जाएगा, और क्योंकि ये 10th प्लेस पे है तो फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में 10 हम लिख देंगे।
अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये है 0.07, इसको किस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास 0.07 है, तो इसको कन्वर्ट जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 7 तो आ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अब 7 है कौन सी प्लेस पे, ये 7 है 100th प्लेस पे, और 10th प्लेस पे यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नीचे हमारे पास आएगा 100th। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 0 डेसिमल के बाद 10th प्लेस पे कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा हुआ और 100th प्लेस पे कुछ लिखा है तो नीचे 100 आएगा, और अगर 10th प्लेस पे कुछ लिखा है तो 10th प्लेस का भी आएगा। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें 10th प्लेस पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू दी गई हो, जैसे कि ये है आपके पास 0.75। तो 0.75 को हम किस तरह लिखेंगे, 7 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 10th प्लेस पे 7 था तो इसलिए 7 आ गया, और 100th प्लेस पे 5 था तो 5 आ गया, लेकिन क्योंकि हमारा डेसिमल 100th प्लेस तक जा रहा है इसलिए हम नीचे भी 100 लिखेंगे, तो ये आपके पास इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। बाकी आप सॉल्व करके क्वेश्चंस इनके आंसर्स की से मैच कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।